तो जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास वो है वॉलपेपर्स। तो इस हफ्ते की हमारे पास बेस्ट एप्लीकेशन है वॉलपेपर्स के लिए। यहाँ पे आपको मटेरियल डिज़ाइन वॉलपेपर्स मिल जाएंगे और यहाँ पे नेचर और HD वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 2K और 4K रेजोल्यूशन में भी वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो ये वॉलपेपर्स की एप्लीकेशन काफ़ी नई है और ये एप्लीकेशन रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है, ताकि आपको रेगुलर जो वॉलपेपर्स हैं नए नए यहाँ पे अपडेट होते रहें। तो यहाँ पे अराउंड 100 वॉलपेपर्स हैं इस टाइम करंटली आज की डेट में, पर वो काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेवलपर्स जिन्होंने इन्हें डिज़ाइन किया है, और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी होम स्क्रीन पे इजीली लगा सकते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन वॉलपेपर्स के लिए ये है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है iO16। बेसिकली क्लॉक विजेट है जो गूगल iO है उस पर बेस्ड है, बेसिकली उसकी डिज़ाइन पे बेस्ड है। तो आप यहाँ पे पूरा क्लॉक का कलर चेंज कर सकते हैं, एक एक पार्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, और जो डिज़ाइन है पर्टिकुलर क्लॉक का वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे लाइन और विड्थ इसकी जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो ये विड्थ ठीक लग रही है मुझे, तो यहाँ पे आप इसे आउटलाइन भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पूरा विडजेट को सेट कर सकते हैं और पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो इसे आप लगाने का जो होम स्क्रीन पे लगाने के लिए सबसे सिंपल आपको विडजेट्स में जाना है, वहाँ पे iO16 यूज़ करना है और फिर इसे प्लेस कर देना और क्रिएट विडजेट पे क्लिक करना, और आपका विडजेट लग गया, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो थर्ड एप्लीकेशन है अब हमारे पास वो है गूगल कीबोर्ड। आप सभी जानते होंगे मैं गूगल कीबोर्ड की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली गूगल कीबोर्ड कुछ ही दिन पहले अपडेट हुआ है, बेसिकली 2 या 3 दिन पहले, और आपको यहाँ पे अब एक नया ऑप्शन मिल गया है थीम का, जिससे आप अपने कीबोर्ड को टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब आपको किसी भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, जब आप गूगल कीबोर्ड से ही सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारी थीम्स इनबिल्ट हैं और आप अपनी खुद की इमेज भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप चाहे तो की बॉर्डर्स भी अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप पर्सनलाइज थीम है उसे चूज़ करने के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में जाना होगा, माई पिक्चर्स में। तो आप उसे चूज़ कर लीजिए और अपनी कोई भी डाउनलोड की हुई हाई क्वालिटी इमेज लगा लीजिए कीबोर्ड पे। जैसे मैंने यहाँ नेक्सस लगा ली, जो मैंने कल अपने सेटअप में यूज़ करी थी, तो इसको मैंने यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड जो है पूरा उस वॉलपेपर के डिज़ाइन का हो गया है। तो मैं चाहूँ तो इसे यूज़ कर लेता हूँ एज माई रेगुलर कीबोर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो कीबोर्ड है वो चेंज हो चुका है, और स्वाइप फीचर तो यहाँ पे है ही क्योंकि गूगल कीबोर्ड है। तो ये सबसे बेस्ट है और अब हमें किसी भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यही कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं अपना गूगल कीबोर्ड जब से ये अपडेट हुआ है। तो ये बेस्ट कीबोर्ड है इस हफ्ते हमारी लिस्ट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है रिवर्स मूवी इफेक्ट्स। बेसिकली करती क्या है ये, एक मूवी है, मूवी या क्लिप को रिवर्स कर देती है। आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रिकॉर्ड या स्ट्रीम। रिकॉर्ड या चूज में आपको क्या कहते हैं, जो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जब आप चूज़ कर लेते हैं कोई भी मूवी, आपको ऑप्शन मिल जाता है रिवर्स का और उसके साथ कई ऑप्शन। उसके बाद वीडियो प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपका जो मूवी का इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह होगा। मैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ वो रिवर्स मोशन में जा रहा है और सब कुछ मिटता जा रहा है। तो इस तरीके से आप काफ़ी सही कूल इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं, और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो इसका रिवर्स मोशन है वो एकदम परफेक्ट होता है। तो इस एप्लीकेशन में बस इतना ही है, और आप डेमो में जाके यहाँ देख सकते हैं कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरीके की क्लिप्स डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे क्लिप्स आपको मिल जाएंगे रिवर्स मोशन में। तो ये थी फोर्थ एप्लीकेशन हमारी लिस्ट में इस हफ्ते की टॉप 5 एंड्रॉयड ऐप्स में। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं, जो फिफ्थ एप्लीकेशन है हमारी लिस्ट में वो है एक AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। दरअसल आप सब मेरे से पूछते होंगे मैं अपनी स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, आप सभी ने यह सवाल मेरे से पूछा है। तो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर बेस्ट ऑप्शन है, बस आपका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 5.0 के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रेजोल्यूशन सेट करना, फ्रेम सेट करना, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देता है आपको। तो जब आप इसको अलाउ कर लेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, तो काफ़ी ईजिली स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता है। तो आपको एक बॉबल मिल जाता है ऊपर, तो आपको रिकॉर्ड का साइन पे जाना है, जो रेड कलर का साइन आपको मिल जाता है बॉबल के बाद, तो आपको उस पे जाना है और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। और आपको एक टाइमर मिल जाएगा 3 सेकंड्स का, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं बट मैं कहूँगा मत हटाइए। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्क्रीन कितनी अच्छी हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हुई थी। तो रिकॉर्ड हुई इमेज को आप डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और या तो चाहे आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो बस यही था इस आज के पर्टिकुलर एपिसोड में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलूंगा हर संडे इसी एपिसोड में, और आपको मिल जाएगा सैटरडे को आपका बेस्ट एंड्रॉयड सेटअप्स का
वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।